हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है, कैसे हो, कैसा चल रहा है सब? तबीयत कैसी है आप लोगों की, कैसी गुजर रही है आपकी लाइफ और क्या चल रहा है लाइफ में? हर्ष, क्या हाल चाल? मकसूद भाई, क्या हाल है आपके? आज तुमको है दिया है हमने 2K। आगा भाई जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? महमूद रहमान भाई, क्या हाल है आपके? सुरजीत होंडल भाई, क्या हाल चाल? आई शेड, क्या हाल है? मेरे कल जल्दी आ गए जी भाई। हेलो हेलो, क्या हाल है मेरी जान? हेलो दादा, कैसे हो? तब बेहतरीन, आप सुनाओ क्या हाल है? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, ये हकीकत है। वेलकम टू द स्ट्रीम। अच्छा, 9 बजे तक आधे घंटे के लिए स्ट्रीम बंद होगी, क्योंकि यूपीएस में चार्ज इतना नहीं रहेगा और 7 बजे लाइट जाएगी। तो 7, 8, 9 कितने बजे? तुम्हारे 7:30 पे, तो तुम्हारे 9:30 होंगे एक्चुअली। और सुनाओ क्या हाल है? डिस्पैच 6:02:41। अरे बोले यार, जिम्मी सर क्या होगा यार, अरे क्या ही नहीं रे होगा। यार, यश भाई, थैंक यू सो मच फॉर 40। क्या हाल हाँ है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, जब फॉरम खोलेंगे तो बिल्कुल ये कौन है, नया भिजवा चेहरा? देना। कौन सा है सर? हमने जिम्मी को ऐसा बोला गुलखान कि जिम्मी भाई जब फॉर्म फिर से खोलेगा। आ और गया आराम तू, गोल कर तेंदुआ रहा हूँ, तेंदुआ तेंदुआ बिल्कुल आईपीडी में आपने कैसे मना करा। तो हमने जिम्मी जी पूछा, जिम्मी अगर तुम्हारी फ्रेंड है, लोन जबरदस्त है, तो साहब, हमें सुनो। नाम बता दो ताकि हम थोड़ा समझ लो, चाहे आप खुद हाँ अपने से चेक करेंगे फॉर्म। हाँ और ये एकदम सब गहराई से चेक नाम नहीं करेंगे। पता था जिम्मी को। अबे हम जानबूझ के नहीं बताए यश नाम, भाई, पता थैंक यू सो है मच फॉर नाम बता के क्या 40। करोगे? पहले नहीं, बताओ हमें लगा अभी नाम रखा नहीं था, मतलब नाम और बैच छोड़ के सही चलो भाई, होगी। यू भी ऑफ ड्यूटी जाने लग गया, लेट्स एक्सक्यूज मी गो। सर, मुझे तो तुम ब्रीफ कौन कॉल हो? आया था। एक मिनट, हेलो तुम कौन हो भाई? ऑफिसर्स माय फ्रेंड हुअर दियास इन्वॉल्वड इन द अरे अंदर दियास, कैसे तू अंदर कहाँ अंदर से आ कैसे रहा है? भाई जो गेट खुला भाई, अंदर अंदर तो राजा का भी कौन गेट खुला खुला है, सेल्स का भी गेट खुला है। आ जाओ, तीन स्ट्राइक पॉइंट्स ऐड कर दिए उस पे, अभी वो उसका ओनर आ गया क्या जीटीआर का, उससे सर, बात तो करके बात देखना कर लो, तुम जाके बात कर लो क्या हुआ था क्या। 3782 आना बोल, इग्नोर बोल, इग्नोर नहीं, जवाब आप तो दिए, उनकी अपनी बातें चल रही इधर हैं। इधर इधर आ जा, दरवाजा इतना 3732 कोरियर ले पा रहे। हेलो सर, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया गुल गुल खान, कंग्रेचुलेशंस, मीटिंग में आ रहे हो 7 बजे? थैंक यू सर। सॉरी ओए सॉरी ओए 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 सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, मैंने सुना अरे बहुत कोई प्रॉब्लम एमडीटी नहीं, लिख रहे हो आजकल। एमडीटी स्कोर एमडीटी वाम एमडीटी बच्चा मचा लिखता है, हम थोड़ा हम डायरेक्ट टोकता है बंदा को। नंबर देखना फोन में देख लूं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट गुल खान, आजा आजा, आज एनकाउंटर हमारा होने वाली है चीफ से। चलो सर, खोला मैंने और उसमें से देखो क्लिप्स ले लीजिए, 5 या 10 है के लिए, वो पूरा 22 क्लिप्स लोड होते हैं, ठीक है, अराउंड 20 to 22 लोड होते हैं, ठीक है। पॉकेट में खाली है तो लो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके लोड कर दो, ठीक है। पिस्टल एमो सर, वही ले लिया। हाँ पिस्टल है, एसएमजी ने पिस्टल है, बाकी कुछ भी ले सकते हो, एसएमजी आप अभी कुछ भी। और ऊपर देखिए, ऊपर में एक लिखा है एलएसपीडी बैड्स, वो एक लीजिए। पुलिस ट्रूपर बैज, पुलिस ऑफिस। अरे खाना नहीं खाया है? हाँ हाँ बोलो।
खाना नहीं गिराया है, अच्छा अच्छा पैर में पैर फंसा है और कुछ नहीं हुआ। ऑफिसर बैच, अरे हमने तो ले ही नहीं ऑफिसर एक बैच ली। एक मिनट बता दो तुम मैं आपको क्या क्या लेना है। अरे गुलखान जी थोड़ा साइड पे हटिए ना सर, बैच हमने तो लिया नहीं है। हाँ लेना है, लेना है, वो भी लो, वो भी लो। अच्छा आपने भी लेना है। ओके टेजर संग्राम और गुलखान जी देखिए आपको एक पुलिस ऑफिसर बैज लेना है, ठीक है पॉकेट में है, पॉकेट खोल लीजिए देखिए है सर मेरे पास है। ओके कैमरा है, कैमरा है सर है है। ओके उसके बाद टेजर है, टेजर भी है सर। और पिस्टल है, है सर पिस्टल भी है। एक नाइट स्टिक है, है सर। पिस्टल एमो गन लोडेड है, लोडेड है सर। हैंडकफ्स एक है, है सर। एक फ्लैशलाइट है जनाब। और एविडेंस बैग्स, एविडेंस बैग लेना होगा सर, ले लीजिए। एक चार आर्मर ले लीजिए, एक पहन लीजिए, ठीक है जी जनाब। और अगर सिचुएशन में जा रहे तो पांच आर्मर एक पहन लीजिए, मतलब चार आपकी पॉकेट में रहनी चाहिए, ठीक है जी जनाब। एक रेडियो है जनाब। एक बॉडी कैम है सर। दस आईफैक, आईफैक तो सर दो ही है, दस उठा लीजिए, पांच फाइव टू टेन। और एक जीएसआर फील्ड किट है सर। एक डीएनए स्वैब वो लेना डीएनए है, और एक ब्रेथ एनालाइजर लेना है सर, वो भी वो ले लो। और नीचे का दो छोड़ दीजिए। और एक गन पे वो फ्लैशलाइट है, नहीं गन पे फ्लैशलाइट नहीं है सर। ओके एक फ्लैशलाइट लीजिए, वो कैसे यूज करना वो भी बता दूंगा। नॉर्मल फ्लैशलाइट ना सर? नहीं 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 नीचे एक फ्लैशलाइट दीजिए, सेकंड एक बताता हूं कि ठीक है सर। सबसे नीचे वाला सेकंड रो में देखिए, नीचे से सेकंड सर मैंने अभी हाथ नहीं डाल रखा सर, मैं इधर साइड में हूं। नीचे से सेकंड रो में एक G17 फ्लैशलाइट है, छोटा सा छोटू सा, हाँ सर दिखा दिखा वो लीजिए। और डीएनए लेने वाले थे ना वो ले लीजिए। और आईफैक्स गुलखान आपके पास सब कुछ है जो नहीं, जो मैंने बोला? अब बता रहा हूँ हमारे पास क्या, हमारे पास चार आर्मर है, नौ आईफैक है, टेजर है, टेजर कार्ट्रिज है, तीन बॉडी कैम है, हैंडकफ है, नाइट स्टिक है, कैमरा है और बैज है और रेडियो है और फ्लैश लाइट है। GSR किट चड्डा में जगह नहीं है शायद। सर आप तीन कैटरेज मत रखिए, एक रखिए, बाकी दो नीचे गिरा दीजिए, अभी कहीं और कोने में गिरा दीजिए या डस्टबिन में डाल दीजिए। GSR किट ले लो, लाइक पीडी का सामान ही कुछ ज्यादा ही बहुत खुद का ज्यादा हो जाता है। हाँ और GSR किट एक लीजिए और एक GSR ले लिया जी सर। आपके गन पे फ्लैश लाइट है? हमारा गन पे फ्लैश लाइट है, सप्रेसर लगा सकते हैं? नहीं नहीं। अच्छा ओके सर, अभी आपके हाथ में गन है ना जी सर, किट पे डबल लेफ्ट माउस क्लिक कीजिए, मसल क्लिक कीजिए, समझ रहे? एक दो बार फ्लैश लाइट पे, फ्लैश लाइट पे, छोटू वाली फ्लैश लाइट पे। और पॉकेट में कभी ये मत रखिए, क्या बोलते हैं बुलेट्स, बुलेट को गन को लोड करके रख दीजिए। वही कर रहा हूं। हां क्लिक करूं एक दो रख सकते हैं? दो बार करने कंटिन्यूअसली, समझ रहे हो? 1500 का फाइन है, हो गया सर, लग गया। हां अब जब गन एम करके ई मजल दबाते हो लाइट लगता है, देखिए हां लग गई। कैन समबडी गिव मी फूड प्लीज? नो। हेलो ये कौन है? अरे एविडेंसेस लेने हैं तो फिर वापस आना पड़ेगा तेरे को, ठीक है चल भेज दे इसको, भेज दे इसको, इनको खाना दे दे भाई। सर चले कपड़े चेंज करने सर? हो गया सर सब कुछ ले लिया, चलिए वैसे मीटिंग में जाने सिचुएशन में नहीं जाते हैं, आ जाओ। आइए सर, आज से हो गया प्रमोशन, आइए गुलखान सर। जी सर, सर आपको प्रमोशन हो गया है क्या? जी जी हां सर। ओए तो हम सेम स्टेज पे आ गया है, जीवन का नाम ही दुख दर्द पीड़ा है। कोई खुश रहे तो देख नहीं सकते। सर गणेश सर कच्चे में लेटे हुए थे सर,
बोल तुम्हारे रैंक क्या है ऑफिसर? गणेश का कच्चे वाला पिक्चर है। गणेश सर कच्चे जिमी सर जिमी सर क्या करना है? हम थोड़ी करेंगे, हमारा फिर दे दो 300 दे दो। 300 दे दे वो कौन सा वाला है? अच्छा हम रोस्टर चेक कर लेगा, अभी करता है। थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो गया सर, हमारे टाइम। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का कोई है? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा ऐसा नहीं है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिर्फ ये करते हैं। वुल्कान हर जगह चेंज कर लेना, ठीक है? अपना ये कर दे से जी सर, बिल्कुल कर लेगा। आज थोड़े ज्यादा ही पीडी वाले नहीं दिख रहे भाइयों और बहनों? पहले ऑफ ड्यूटी यार। अबे कौन सा ले यार, मीटिंग है जेबी वाओ पता है ना। अरे कैसे बोल रहे सर, मेरे को भी शिकायत। हां मैं ही हूं जेबी। राणा सर अभी आए हुए हैं, अभी हमें भी चाहिए यार, हमारे लिए कोई ऑर्डर करवाओ। हेलो 1 2 3 माइक चेक। अभी यार ये बताओ, मेगाफोन जैसी आवाज क्यों नहीं आती हमें? सिर्फ एविडेंस वो आती है, जैसी आती है वो दूर तक 273 क्यों है? लेकिन थोड़ा तभी मजा आएगा। हां वो एक्चुअली होना चाहिए तो फील आएगी ना जेबी सर, क्या बोलते हो? इसका अंदर किस किस चीज में फील चाहिए सर आपको? जेबी सर बाकी सब चीजों में मिल जाता है। अबे आ रही है आवाज, आ रही है तो जम कर। ओए 41 वाले 42 चलो। हेलो हार्मनी पीपल्स, हार्मनी पुराना हो गया है, मार दिया। किससे बातें कर रहे हो? किससे बातें कर रहे हैं यार? बंद कर गांडू, कानों में आवाज आ रही है जोर जोर से। चाह रहे जिम्मी सर की फ्रेंड एलिस, क्या मेरी आवाज आ रही है? और जिम्मी सर आपका तो हो गया। मार्केट में रेडी लगती है ना 10-20-30। अरे वायु बुला रहा है, निको बुला रहा है, वायु 420 भाई व्हाट्स योर रैंक? हमको एक मेगाफोन दिलवा। मैं एट रिसेप्शन पे भी नहीं है यार, मेरे को भी चाहिए। कहां से ऊपर से क्या नहीं है तुम पे? मंगाते मेगाफोन चाहिए यार, मेगाफोन। अबे डालना कहां है? एक्सेल शीट पे बुलफोन 273 लिखा हुआ चाहिए। एमडीटी हां भाई गुलकंद, ओए क्या हाल है आपका सर? हाल तो बढ़िया है। अबे इसे बताओ सर कैसा लग रहा है? बड़ा जबरदस्त लग रहा है, आप सुनाओ। अरे यार इसने पहन रहा है तो क्या हुआ, डिमोशन हो गया? मेरी आवाज आ रही है? मिशन लेट हो गया हमारा। ओ अच्छा, हार्मनी वाले ट्वीट करो, लाओ दो जरा। तुमको कहा नजर आ रहा है भाई? नहीं मिलने वाला गुल खान, 273 है। हाँ 273 है भाई, 273 है। हमने रोस्टर में चेक किया अभी। अच्छा चेंज कर लेता है। बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ
पड़े। हेलो जेबी सर। अरे भाई गाइस सुनो सुनो मेरी बात सुनो पहले। ये बैग बैग वगैरह ना ऐसे ऑन ड्यूटी मत पहनना सारे। मैं देख रहा हूँ पीछे पीछे बस्ते लटका के घूम रहे हो। कौन है? हाँ मेरे पास डेविड बोल रहा था। कल डेविड बोल रहा था बैग टांग के घूमते हैं। पीछे कौन है बैग टंगा के घूमता है? जो अनबंटन कर दो, अनबंटन कर दो, जो बैग अनबंटन, जो बैग टांग के ऑन ड्यूटी घूमे। सर जय लो संतोष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्लीज गोइंग ऑन। उसने ये पता नहीं अनबंटन कुछ बोल रहा था। ये अनबंटन कौन था? ये ऑफिसर अनबंटन कुछ बोल रहा। संभाल के है, संभाल के लैंग्वेज प्लीज। भाई स्पैम ना कर भाई जैक रिचर, तेरी बड़ी मेहरबानी भाई। नो बैग्स, आई वाज सीइंग अ बैग, कोई बंदा कोई ऑफिसर था, एडन था। आई वाज सेट कॉल साइन, उसका बैग लटका के रखे। सेट बैग्स मत यूज करो गाइस। लॉन्ड कॉल साइन है भाई। और या डू नॉट स्टैक अप आर्मर देन सेवन बैग। ओके श्योर सर। श्योर ठीक है। ओके सर एक क्वेश्चन था जीवी सर, बट खाना निकाल रही थी मैं बस। कोई नहीं कोई नहीं, निकाल सकते हैं। आया सुनो सुनो, वो अलग है, ये रख सकते हो, बट डोंट लाइक वेयर इट बैक, समझ रहे हो? डोंट यूज एज अ लोड अप, ऐसा मतलब है। दिस इज डिफरेंट। वो तो पता है, वो पता है। अरे गुलकान तुम अनबंटन कर रहा था, क्या हुआ? ये जो बताता है अभी तुमको कंजर सबर करो। वो ज्वेलरी वो जैसे वो मेहंदी लगा के करता है। कोवी कैन डफल नहीं, डफल नहीं, उसको दिखाओ हमको। ये वाला बताता है तुमको, ये वाला बैग, ये एक ये वाला बैग और एक वो दूसरा है, वो स्कूल बैग जो। अभी आप ऑफ ड्यूटी है, तुम भी ऑफ ड्यूटी है। अभी कद्दू मेरा सारा है तुम। ये लेके ना ही घूमो। अभी हम ऑन ड्यूटी है, तुम ऑफ ड्यूटी है भले, लेकिन हम ऑन ड्यूटी है। हम ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी है तो कद्दू आया है मेरा। मैं तीन चार टाइप का बैग सिर्फ ड्यूटी पे सारा है। हम ऑफ ड्यूटी है तो तुम गालियां भी देगा। ठीक है गाइस। हां नहीं घूमते, जेब में रख तो सकते हैं ना, कि वो भी जेब में रख रहे हो, बट बैग पीछे नहीं। फोल्डेबल है क्या झोला? अरे समझो ना जेबी सर, नोटिफाइड एक टू डिस्पैच छोटे वाला, कोई छोटे वाला जैसे आता है गाइस, छोटे वाला जो समझ रहे हो पॉकेट के अंदर भी आगे लटकाने वाला। अरे मेरे भाइयों रुको, तू तो दो दो बैग क्रिमिनल से खरीद के आया है वायु। अरे यार सामान उसको आप पैसे दिए थे हमने पैसे। हां तो खरीदना ही बोलते हैं मुझे, क्रिमिनल से बैग खरीदता है। अरे क्या हो गया पैर का ये पूरी? अरे यार नाम मत करो, अच्छा नहीं लगता है हमें। जो भी बचपन से पायलट बनना चाहता है वो मीटिंग के बाद आ जाए, टेस्ट दे दे। किसको देना है? मीटिंग के बाद हम देगा रॉबर्ट सर। चलो वायु सर को क्या चाहिए? सबका सबका क्या चाहिए? वायु सर क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे कोटी सुनो कोटी। हाँ जी जी गुलकान, तुमको अंदर कर देगा, हम कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारा अंदर डाल देगा, तुमको अंदर डाल देगा। ओ यार आराम से बदतमीजी कर रहा है ये। आराम से कौन बदतमीजी कर रहा है? ये पता नहीं कौन है यार ये। हम रॉबर्ट को ऑन ड्यूटी चलो ए एडविन छेले ढुके दो, बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। हेलो हमारा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है यार। एडविन सर ए चुप, ए छेले ढुके दो चुप। एलेक्स पॉइंट राका भाई आए पीडी मीटिंग में, मुझे क्या पता फिर विदाउट राका भाई मीटिंग हो रही है, वो भरेंगे नहीं बाद में। अभी तुम देख क्या सीन, बस चेकअप होकर आते हैं। आजा मीटिंग का हो रहा है यार, क्या दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है पूछ रहा है? मीटिंग का हो रहा है? मीटिंग ऊपर होगा ना, मीटिंग रूम में होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाइक करो गाइस। गुलखान आ जाओ, चलो 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 ऊपर होगा ऊपर। आ जाओ बैठ जाओ। सुनो सुनो, इतना नींद में होते हैं भाई साहब पूछते हैं
मस्त नींद में थे। हेलो आवाज आ रहा है? हेलो हां आवाज आ रहा है, बताइए। सब बैठ जाइए अपना अपना जगह। यस यस, कैसा लग रहा है आपको? बेसिस हमको बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा कितने सस्पेक्ट आपने पकड़ा है बताइए? सस्पेक्ट हम तो बहुत पकड़ चुका है, लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, दो बंदा मारा है हमने। कितना मारा? कितने जनों को मारा? दो बंदा मारा है, दो अभी तक का दो बंदा मारा है। ओए रॉबर्ट सर, हाँ गुल क्या हुआ? तो गुल वैसे हम कैनाल्स वाला ट्रैक करेंगे, ठीक है? ओके सर। और एडविन कैनाल्स ट्रैक होगा, ठीक है? हाँ। इफ यू गाइस पास यू विल गेट योर क्लास वन लाइसेंस। फोटो डाल रहे हैं हमें क्रिमिनल। क्या हुआ रॉबर्ट सर? क्या हो गया रे यार, शांत कैसे हो? ऑलराइट एवरी सिंगल ऑफिसर प्लीज 76 टू द मीटिंग रूम राइट नाउ। 104 सर। जिन छपरी हैंग आउट जर्मनी वांटेड ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। पकड़ेंगे पकड़ेंगे हम सब पकड़ेंगे। कौन है ये क्रिमिनल यार? बहुत बड़ा क्रिमिनल है ये। कौन है यार गधे का बच्चा? एवरी ऑफिसर इन द मीटिंग रूम प्लीज बी सीटेड। ब्लैक तो उससे बड़ा एक और है। हां लेकिन वो तो छोटा है। वो छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बिल्कुल नाबालिग है। ये कौन है? जिन छपरी छपरी छतरी था ना, छपरी छपरी, ये छपरी है। आपकी आवाज किसी और के स्ट्रीम में सुनता हूं तो टिल्लू की आवाज लगती है उधर। हैं हैं जी, हैं जी, हैं जी, आवाज तो सेम ही है, एक्सेंट चेंज है। जर्मनी के हैं। We have to come to the meeting. Because you are a part of a PD. ये भी ठीक है क्या? उड़ कैसे रहे? ओए कूदो, ओए जंप कर, ओए ए जंप कर। वो आपके आपको के लिए क्या ले अमन भाई? क्या चीफ इस फोटो पर बात कर सकता है क्या अपने सेकंड कैरेक्टर के बारे में? हो सकता है। अबे मेरा वॉइस चेंजर की आवाज भी तो सेम ही लगेगी ये बाबलो। 42 हो जाओ बाय द वे। क्या जिन छपरी? पहले से ही था, ज्यादा ब्राइटनेस हो गया, फेस नहीं दिख रहा, बाकी सब सही है। हां सर आप उधर जाइए, इधर चीफ का प्लेस है, उधर जाइए। अच्छा अच्छा। सो भाइयों आज बताइए पूरे पूरे शहर को नहीं सुना। अरे बेस्ट लग रहा है हमें, बेस्ट लग रहा है। GTA वाओ गाइस एवरीवन सिट डाउन। सबको जाती है आवाज, नीचे तक फासले तक जाता है आवाज, पूरे पीडी में आती है सर आवाज। हम पीछे से ठीक है सर, हम पीछे से। हमको नहीं नहीं हम नीचे जितने ऑफिसर है सभी से अनुरोध है ऊपर आ जाएं। इधर भी मारो, आओ 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 आओ। निरोध निरोध क्या बोल रहे हैं? अनिरोध नहीं आता तो मत कहो। वंडर डायरेक्ट टू गणेश। जाओ गणेश भाई, सेंड इट सर। सर कहां गुल खान सर कहां लटक रहे हैं? ऑलरेडी 42 रिफ्रेश। ये सर थोड़ी सर हम सोच रहा था कि बैठ जाओ भाई, लेकिन हमारा थोड़ा जो बम वो दुख रहा है। कोई बात नहीं, हम कोई ना टेबल से टेक लगा लो गुल सर। यस सर चेक दिस भाई, टेक क्या लगा रहे हैं हम सर? 42 जाना है गुल सर, चेक कर लेना। ओए सर हम 42 ही है, संग्राम को 42 कोई एक तो ऑन ड्यूटी है। संग्राम जी 42 रिफ्रेश नहीं होगा। दादा कल हेयर कट करवा के आना, अभी बढ़ा रहा हूँ यार बाल। कैसा दादा एकदम बेहतर है? आज सूरज 6 बजे निकला है जी।
क्यों है? और सुनाओ संग सर क्या चल रहा है? बस स्कूल से थोड़ा पैनिक हो गया था एग्जाम में। छोड़ ये आज जा के बंदा मंदा मारेंगे, टेंशन नहीं लो। मारेंगे सर, पूरा बूम बाम आज करेंगे जी सर, पूरा पहले पालेंगे। मेल पे आओ, मेल पे आओ, मीटिंग मेल पे। मेल पे अरे मेल पे ये क्या बात हो गया यार? मित्रों कृपया करके अंदर चलिए। किसके? हेलो कुमार जी, छोटा है जगह, नहीं आ पाओगे? हां जिन छपरी है यार, इसको पकड़ना है बहुत बड़ा क्रिमिनल है ये क्या है? जर्मनी जिन छपरी है ये यार, एक बंदा है, छपरी को मत पकड़ लेना, छपरी अलग है। छपरी है, छपरी है जिन छपड़ी, इसके नाम पे ही छपड़ी है। छपरी है सर, नाम पे ही का क्या मतलब है? क्या था क्या 7 आवाज आ रही किसी को? अबे नहीं यार कुछ, हम आ रहे हैं रूट। आपकी आवाज आई थी। 7 क्या है? 7 कार्टन 10 बजता है। टू द रेस्पेक्टेड चीफ ऑफ एसएसपी। अरे हल्लू बोलो यार। ऑफ ड्यूटी चले जाओ सब। ऑफ ड्यूटी ही है मैम, गुड मॉर्निंग। दुख दर्द और पीड़ा इस टाइम मत करो भाई। 273 लेट्स गो। हेलो कोड़ी आदम, मैं बोला को बहुत मार खाओगे। और बताओ रॉबर्ट सर कब कर रहे होंगे? इनका अलग ही है एंगेजमेंट। कब कर रहे हो शादी? लास्ट एक महीने से सुन रहा हूं, एक दिन हां तो बस सुन ही रहा हूं मैम, वो हो नहीं रहा। कम्युनिटी मीटिंग है क्या? यस उधर क्या देख रहा है सर? कुछ नहीं मिलेगा फिर सोच लो। हम वो देख रहा है कि पार्क किसका फोटो लगा हुआ है, हमको अपना लगाना है। काम करो अपना। अरे वहां फोटो वोटो मत लगाओ गुलखान, जॉब से जाएंगे हम लोग। वहाँ फोटो लगाने के लिए जॉब से नहीं, जिंदगी से जाओगे। ओए ये बताओ हमको, हमको ये तो पता ही नहीं। ओए 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 सर आप कुछ बोल रहे हो? सॉरी नहीं, डेविड को बोल रहा था, अलग से डेविड को भी ध्यान दो। अच्छा म्यूट मत कर दो। थोड़ा कुछ कर रहा था, जाओगे वहाँ? नहीं जाएगा यार, वहाँ पे लोगों को बेचेगा। और वायु क्या है और सामने देख रहे जिन छपरी? अबे कौन है छपरी मोपरी? पता नहीं कौन छपरी है, मोस्ट वांटेड। अरे बंद करेगा। सुनो जिमी भाई, गणेश कैन यू प्लीज स्टॉप। जिमी एंड गणेश ये देखो आप, आप ओ क्या ओ 7 ओ 7 करो यार। व्हाट्सअप व्हाट्सअप माइक टेस्टिंग नहीं आ रही, करो यार। अरे कहां से मिलते हैं? मुझे भी चाहिए। कहां से मिलता है? मुझे भी चाहिए। कॉर्पोरल अबव है भाई, माइक्रोफोन भी ठीक है भाई। अब ये कौन पधार गया? वेलकम मी बैक। और ये कौन आ गया हमारा गोद के अंदर? मेरे को नहीं लगता गोद आए, इतनी सॉफ्ट क्यों है? वही तो मैं समझ नहीं आ रहा, खिलौना। थोड़ी देर और बैठो, कड़क हो जाएगी। गोद की बात कर रहा हूँ, गोद का ही बता रहा है। ये कोडी और डेविड दोनों को अलग से लेंगे दे। ये कोडी को करना है, इसको कोडी को कोरी कोरी। अरे काहे हमारी पीछे पड़ी रहती हूँ होप मैम, क्या हो गया? हमने क्या किया? सीनियर से रिस्पेक्ट से बात नहीं करता ये। अरे किसको डिसरिस्पेक्ट किया मैंने? व्हाट डिसरिस्पेक्ट दिखाता है? निकाल दो इसका क्या रैंक है हमको दे दो, सीनियर ऑफिसर है ये। ये देखो मैम, अभी ऐसे बोलेंगे तो हमको हर्ट नहीं होगा? मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी मैम। इस तुम ईगो ला रहे हो, फिर गोलियां चलाओगे तुम क्या? छोटे-छोटे में टाइम में हर्ट हो जाता है तो मतलब अपने सीनियर्स का तुम ऑर्डर नहीं मानोगे? ऑर्डर देना अलग होता है। दो जा छोटू, दो चाय ला।
मैम रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है मेरे को बीसीएस तो उसने कहा घोड़ी कॉपी लेके छोटी बच्ची हो क्या अबे किसने किसने बोला तेरे को कॉफी लेके आ ये रॉबर्ट सर ने रॉबर्ट भाई इधर आने जरा रॉबर्ट इधर आओ यार रॉबर्ट इधर आओ यार इधर आओ रॉबर्ट पिताजी आएंगे फिर आवाज निकलेगी इसकी हाँ तो पिताजी तो बुला रहे हैं करो क्या फोन उन्हें बापू बुला रहे रॉबर्ट इधर आओ बापू खाली टाइम में बॉर्नविटा पीते हैं गाइस राका भाई का मैं क्या करूं मुझे बताओ मैं घर जाके तो उठा नहीं सकता हूं बॉर्नविटा नहीं है वो ग्रीन टी पी के भी कोई फायदा नहीं है ओरियो खाते हैं वाह तो ओरियो यार ओरियो टेस्टी है ठीक है ग्रीन टी में ओरियो कौन डुबाता है नहीं मैं दूध में ओरियो डुबाते हैं तो ओरियो ग्रीन टी घंटे की ओरियो टेस्ट नहीं होती ग्रीन डिपार्टमेंट से निकालो इसे साले जिम जम के होते जिम जम के मेरे को भी ओरियो नहीं पसंद है माना मैंने जिम जम अच्छा होता है माना मैंने जिम जम अच्छा है ओरियो बेटर ग्रीन टी कौन पीता है बे नॉर्मल टी मस्त होती है सर गला खराब हो रखा है इसलिए सर ये मीटिंग कब शुरू होगा सर क्या कब शुरू होगा अदरक मीटिंग सर नहीं सही ग्रीन टी सही मीटिंग ग्रीन टी हां सर हम नहीं पीते हम तो आप उधर आ गए हो कभी कभी हां उधर ही हो सर चाय पकौड़े की आदत दिला भाई वो से बात है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो लिखा है सर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सर जी भाई सुनो सुनो ये बारिश का महीना खत्म हो गया क्या आप खेला बचपन में जीटीए वॉच से खेला है बारिश हो गई देखिए ना गुड सर आपको अच्छा गणेश गांडू ऊपर आ स्टाफ कोचिंग के भोस मारी ना लोड़ा चोद मारी ना आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म ये म्यूट रखना है क्या पूरा मीटिंग नहीं यू कैन स्ट्रीम सताजी सुन ही नहीं रहा लीन साइड 4 लीन साइड 4 गाइस यू कैन स्ट्रीम कुछ चालू चालू हां बोल गया सर हटो ना जज साहब अभी तो शाम जस्ट सर स्ट्रीम ऑन रख सकते हैं हां रख सकते हैं आई वांट दिस टू बी स्ट्रीम जज साहब नहीं हो भी गोल्डी भाई मैं ओसी मीटिंग है ओके ओके ऑलराइट हेलो एवरीवन हेलो हेलो सर हेलो सर जी राइट जस्ट ऑफ कि बीच में प्लीज किसी को कट ऑफ नहीं करना व्हेन समबडी स्पीकिंग आप लोग को कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं तो लाइक जस्ट जनरल या कहीं पे डाल देना वी विल गिव यू परम टू स्पीक ओके पहले कुछ चीज़ें एड्रेस कर देंगे लेक्स पहले एड्रेस कर देते हैं कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन उसके बाद जो पीडी की वर्किंग है बेसिकली उस बारे में आई लिटिल बिट डिस्कस एंड बस शॉर्ट मीटिंग होगी आई थिंक 8 तक तो यू गाइज विल बी फ्री यू गाइज कैन गो इन सर्वर एंड आर पी तो अभी बस एक चीज़ का ध्यान रख लेना सब ऑफ ड्यूटी रहना अभी मतलब मैं अभी तो बहुत स्मार्ट लोग हैं कुछ जो ट्रक और बैंक इनिशिएट कर देंगे अभी है ऑफ ड्यूटी है सब ऑफ ड्यूटी है गणेश मकर पीपी में स्ट्रीम देख रहा हूं क्या हो गया फर्स्ट पॉइंट टू बिगिन विद रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट व्हिच इज द करप्ट आरपी सेना आई विल जस्ट मेक इट हियर very very clear that only two people will be allowed to do corrupt RP one is Raka and second one is Aider and when I say corrupt RP I don't mean to say that you know they can just go completely rogue and you know abandon ops corrupt RP will only and only be limited to information leak and when I say information leak
I don't say it's not like कि someone can do information leak like कि अच्छा हाँ तुम्हारे बंदे आ गए हैं यहाँ पे हाँ उठा लो इन्हें and all that stuff but और कि हाँ तुम पे raid होने वाली है तो not something which will massively affect you know or probably become very useful for the gangs but it will be just from an information leak perspective or from a bribe perspective it will be allowed and nothing else no using of hotwire no sharing of PD resources nothing else absolutely nothing else except kya kehte hai apna information leak that and that too minor information leak I just mentioned that apart from that Aiden already has 2 strikes I mean we have had a word with him not sure if he's here right now hello, blows up his cover and kya tera bhai aap ek point bol kar 1 ghante ka gyan de dena bhai mere paas information hoti hai chutiya bachcha thodi hu you guys continue with your pehle rp join ki aur kuch pata nahi rp ke bare mein har selected character ke bare mein pata hai mujhe figure out what he is kaise play kiya jata hai agar kaun sa department hai uske department ke hisab se kya play kiya jata hai it's not like we are putting a stop aisa thodi hai ki fazool bakwas karta raha hu basically aur koi farak nahi aa raha it will be just that Aiden and Raka will be allowed to do corrupt rp and that to just from an information leak perspective that's it and Aiden will be only given for the particular scenario which is happening right now so after that all scenario Aiden's gonna be back to basic so back to normal okay guys LU discussion mein jo chat box hai na usi mein hi jo likhna na wahi pe hi likh do wahan apne points feel free to write you know your points वॉइस चैनल पे एक चैट बॉक्स होगा उसी को ओपन करके लिख दो यू डोंट हैव परमिशन टू राइट नहीं है वहां पे परमिशन देता वेट ट्राई नाउ रॉबर्ट मैसेज करने एक बार आगे या आई थिंक पीपल कैन डू All right. That's clear from that point, right? Moving on. Questions हैं तो sorry Rashad. अगर किसी को कोई questions है उस चीज के बारे में तो feel free to write it in the chat and after Rashad addresses the next thing we'll probably take up questions. All right. पहले थोड़ी सी चीजें internal में discuss करते हैं regarding cops internal behaviors एक दूसरे के साथ behavior you are an LEO ठीक है आर पी वाइज तुम ब्रेक मत करो जितना हो सके बी प्रोफेशनल बिहेव प्रोफेशनल एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो वगैरह वट एवर बट डोंट बी लाइक कि हाँ ये तो मेरा दोस्त है ओ सी आई बी लाइक वट एवर से इट विल बी ऑल गुड बाकी जो आस पास ऑफिसर्स भी खड़े होते हैं मे बी हाई कमांड वुड लिसन एंड ही वोंट लाइक इट या फिर वॉट कुछ भी सिनेरियो होता है प्लीज़ ट्राई टू बिहेव वैन यू आर ऑन ड्यूटी और लाइक वन ऑन वन पर्सन्स में हो गाड़ी में हो या वॉट एवर तब चलता है फिर भी कि हाँ ठीक है इट्स ओके बट वेन यू आर अराउंड पीपल ना तो ट्राई टू बिहेव प्रोफेशनली बिकॉज ये पोर्ट्रे हेलो इंटरनेट चला गया था गेट जितना स्टफ हो सकता है वो सब चीज़ें सो उसमें भी देख लो जो द वंस हु आर लाइक वेरी सपोर्टिव टू यू एंड वो सब है ना तो उन लोग को प्रॉपरली करो डोंट ट्रीट एवरीवन इक्वली और
मतलब डोंट ट्रीट एवरीवन इक्वली, ऐसा नहीं है, मतलब जैसे कि वो लोग अगर दे आर ट्राइंग टू बी लाइक अ ट्राई हार्ड और एनीथिंग, तो फिर तुम लोग टेज करो, इवन आफ्टर मल्टीपल टेजेस इफ दे ट्राई टू रन देन यू कैन यूज अदर मींस, वो सब भी है, बट लाइक एटलीस्ट एक दो बार उनको ट्राई दो, लाइक डोंट टेज एंड कफ इंस्टेंटली. आज भी मेरे पास एक इंस्टेंस आया है कि लाइक उनको बिना चांस दिए यू टेस्ट एंड जस्ट कफ हो गया है ये सब. सो वो सब चीज़ें थोड़ा अभी भी ध्यान रखो. हम लोग का एवरीथिंग गुड, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट करना है तो वील टेंड टू बी स्ट्रिक्ट इन अदर वेज, लाइक ऐसे नहीं है कि जिसमें विदाउट ही सपोर्टिव या कुछ भी हम लोग उन लोग को वो न्यूट्रलाइज कर ले वगैरह. सो एक वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रखो. बाकी ऑल्सो अ वीट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन, लाइक वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है. अभी रिसेंट में काफ़ी लो एफर्ट आरपी वगैरह देखने मिली थी फ्रॉम द क्रिम साइड कि 911 एनोनिमस और ये सब आ रहा था. सो ट्राई टू इग्नोर इट अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ प्रॉपर आरपी बिहाइंड इट और प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और वो सब. सो वो टाइम पे रिस्पॉन्ड करो 911, या फिर तुमको कोई कॉल आता है बेसिकली या शू गोली वोली चली है या कार जैकिंग हुआ है, उस टाइप से तुम जाओ उधर. जैसे कि ग्रेप सीड इज लाइक ओनली वन स्पॉट राइट नाउ, ऑनेस्टली बताऊँ तो ग्रेप सीड एक ऐसा स्पॉट है वहाँ पे जल्दी चीज़ें वो होती हैं, राइट, वो पूरे सर्वर को पता है. सो दैट इज़ अ हॉट स्पॉट, वहाँ पे लोग रहेंगे, वहाँ पे लोग क्रिमिनल्स भी रहेंगे ऑब्वियसली, तो वो एक हॉट स्पॉट बन चुका है ऑलरेडी. तो हमें हॉस्टाइल एरिया एनी वेज उसको डिक्लेयर करना ही चाहिए. और जब भी ऐसे 911 अनोनिमस वगैरह वहाँ से आते हैं ना, तो बेसिकली देयर समवन हु इज डूइंग अ लो एफर्ट या फिर वेरी लो एफर्ट आरपी या फिर नॉन सपोर्टिव आरपी, या फिर उसको कोई किसी से लेना देना, ही इज जस्ट रोमिंग अराउंड और उसने 911 कर दिया. ऐसे लोगों को हमने सपोर्ट भी बुलाया, उन लोगों को समझाया भी है, हम लोग के पास आईडी भी आ जाती है. बट ट्राई करो, और वेन एवर यू रिस्पॉन्ड टू अ वीट सिनेरियो ना, तो वहाँ पे पहले जाके डिस्ट्रॉय विस्ट्रॉय करना शुरू मत कर दो, थोड़ा वेट करो, दूसरों को लाइक चांस दो, दूसरों को वेट करो, प्रॉपर प्रोसीजर करो, और उसके बाद लाइक इफ़ यू स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग आफ्टर 15-20-30 मिनट्स या वॉट एवर, तो इट मेक सेंस. बट जैसे ही देखा एंड यू स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग एंड मासे कोड फॉर एवरीथिंग इज गॉन, वो कोई मतलब का नहीं है, उसमें आरपी एंड एवरीथिंग कुछ भी नहीं है. सो वो भी ध्यान रखो, बिकॉज ये 911 का थोड़ा सा अभी इशू है, वो सॉल्व तो कर दिया बट स्टिल काफ़ी इंस्टेंसेज होंगे. ऑल्सो कोड वन ग्रेप सीड, थोड़ा कोड वन इज वेरी रेयर जो हम लोग करते भी हैं, बट अभी रिसेंट्स में होने लगे तो वो भी थोड़ा संभाल के, लाइक इट्स लाइक कोड वन जाओगे तुमको पता है वहाँ पे क्या होना है, वहाँ पे क्या है. सो लाइक ज़बरदस्ती जाना या कोड वन करना इज़ लाइक यू आर ट्राइंग टू गेट स्टाफ बेसिकली, तो थोड़ा वो भी संभाल के रखो. विल डिक्लेयर हॉस्टल एरिया. ऑल्सो 99 कॉल्स कभी मना नहीं किया है, सिर्फ मना इसलिए किया था क्योंकि 5v10 बेसिकली हमारा एक वो रोल था, तो 5v10 का रखा था. बट कुछ सिचुएशंस होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अ मेयर किडनैप, राइट, उसमें 99 कॉल था, ठीक है, मेयर किडनैप, ऐसी सम वेरी रेयर सिचुएशंस जिसमें 99 कॉल इज़ ओके, लाइक तुम कर सकते हो, लाइक सेंस बनता है इफ़ यू आर गेटिंग आउट नंबर्ड या फिर आउट नंबर्ड इन द सेंस लाइक दे आर मोर. जैसे कि रिसेंट में जो सिनेरियो हुआ था उसमें दे वेर लाइक टू विजिट्स ऑफ कॉप, जो टू विजिट्स ऑफ कॉप था उधर, वो लोग दो बार आए, दो घंटे के बीच में ये सब हुआ था, दो बार कॉप्स आए, दो बार फॉल बैक किए, देन न्यू व्हाट्स गोना हैपन, दे न्यू कॉप्स ऑल्सो न्यू व्हाट्स गोना हैपन, राइट. सो वो टाइम पे अगर इफ़ यू गिव अ 99 कॉल, आई विल टोटली अग्री, एंड वो टाइम पे यू कैन लाइक गिव अ 99 गेट ऑल यूनिट्स, और इफ देर इज नो यूनिट देन देर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग देर ओनली, यू गेट इट. इफ देर इज लेस नंबर ऑफ यूनिट्स, हमारे रात को अभी थोड़े से यूनिट्स कम हो रहे हैं, सो उसके लिए भी वी आर ट्राइंग टू गेट न्यू बैचेज एंड न्यू स्टफ. सो वो थोड़ा ध्यान रखो, 99 कॉल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि ये चीज़ भी अब्यूज़ होनी चाहिए कि एवरी टाइम यू गो 99 कॉल. एंड इसी बात पे लाइक कम यूनिट्स हैं और वो सब, सो जैसे कि यू नो द बेस्ट ऑफिसर वी हैड सबा करीम, वो अभी थोड़ा ब्रेक पे हैं या लाइक ही इज़ बिजी IRL, तो वो बहुत काम करते थे, उनके लिए हम लोग
कह सकते हो कि डिपेंडेंट भी थे एफटीओ वर्क एंड वो लोग वो बहुत अच्छे से करते थे. तो अभी वी विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू कमांड मेंबर्स, न्यू कमांड एडिशंस, हाई कमांड एडिशंस एज वेल. एक दो बंदे होंगे जो, बट सी कुछ लोग बोलेंगे कि प्रमोशंस क्यों नहीं हो रहे, कुछ लोग बोलेंगे कि प्रमोशंस क्यों रुक गए. तो उसका भी एक रीज़न है प्रमोशंस का, क्योंकि सी आप आओगे, आप इन आर पी जाओगे, आप कॉप आर पी करोगे एंड यू विल कम आउट, यू विल गो रिस्पॉन्स सिचुएशंस, यू विल कम आउट एंड देन दैट्स इट. फिर नेक्स्ट डे यू कम वापस कॉप आर पी करोगे एंड अपना कॉप आर पी करके आप बाहर आ जाओगे. सो ओनली दैट बेसिस पे वी कैनॉट गिव यू अ प्रमोशन, बिकॉज आगे दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एफ टी ओ वर्क, बैचेस, फॉर्म्स एंड वो सब चीज़ें, उसमें वी नीड अ हेल्पिंग हैंड एज वेल. अगर आप वो चीज़ में नहीं पार्ट ले सकते हो तो फिर आप बेसिकली आपको लाइक वाई वुड वी गिव अ चीफ या फिर असिस्टेंट चीफ और वो सब. एंड इफ समबडी एल्स इज ट्राइंग तो ऑब्वियसली उसको आगे प्रमोशन देने का सेंस भी बनता है, राइट? वो बंदे को आगे लाइक वी नीड अ एच आर एज वेल, एक और एच आर चाहिए हमें. वी नीड कमांड मेम्बर्स, वी नीड हाई कमांड मेम्बर्स अभी एक दो, विच कुड बेसिकली हेल्प डेवलप द डिपार्टमेंट. ये नहीं कि आप लाइक आओगे, आपको प्रमोशन मिल गया, यू आर वेरी गुड एंड यू गेट द सिनेरियोज गोइंग. एंड ऑल्सो ओनली कमांडिंग सिनेरियोज इज नॉट द ओनली वे, राइट? बाकी चीज़ें भी बहुत कुछ है जो बाहर से हम लोग को देखनी पड़ रही है. वील हैव टू लुक फॉर द पीपल लाइक जो कॉप आर पी डेली कर रहे हैं, हम लोग को बाहर से भी मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि बाद में ये ना हो कि ये पीढ़ी तो ऐसी है, ये पीढ़ी तो ऐसी है. आई वुड नेवर लिसन दैट कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, ये गलत कर दिया ये बंदे ने, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा. वो सब चीज़ें सब मॉनिटर करनी पड़ती है बैक एंड पे. तो इसीलिए कुछ प्रमोशंस हैं जो होंगे, ऑब्वियसली होंगे, एंड कुछ प्रमोशंस हैं जो स्लो हो सकते हैं, टाइम लगता है. जैसे कि हायर रैंक्स प्रमोशन टेक्स ऑब्वियसली टाइम, जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा प्रमोशन का टाइम तो होगा. बट एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग डिस्पैच, अभी इट सीम्स लाइक देयर इज नो डिस्पैच. कॉल्स गॉन, कॉल्स तो कोई है ही नहीं. 10 कोड्स यूज नहीं हो रहे हैं, पता नहीं लाइक क्यों. देर आर लाइक लेजिट नो 10 कोड्स यूज. एवरी वन इज़ लाइक ट्राइंग टू बी वेरी सिंपल वे, वेरी नॉर्मल वे. तो वाई आर यू गाइज नॉट यूजिंग 10 कोड्स? लाइक अभी आई एम प्रिटी श्योर, इवन माई सेल्फ अगर मैं बोलूँगा ना तो मैं, मेरे को 50% कॉल्स याद, 10 कोड्स याद नहीं होंगे, बिकॉज हम लोग की हैबिट ही छूट गई है. सो वापस से स्टार्ट करो एंड इफ देर इज अ कॉन्वर्जेशन या कुछ भी एक दो सेंटेंस भी है तो जाके इन पर्सन मिल के वो बंदे से बात कर लो. जैसे आज बेसिकली लोकेशन 20 एंड जाओ उसके पास और बात करो. प्लीज़ डिस्पैच पे बसर मत करो, ओवरलैपिंग मत करो, और वापस से ब्रिंग बैक द ओल्ड डिस्पैच कोड्स वाला एंड वेरी वेरी फॉर्मल डिस्पैच चाहिए. ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस, सिचुएशंस पे भी हा हा ही ही वो सब नहीं चलेगा. प्लीज़ वैंजेलिको के अंदर जाके रॉबर के पैरों में बैठ जाना या वो सब करना, थोड़ा लाइक लेट्स कीप इट प्रोफेशनल, लेट्स कीप इट लाइक द वे इट शुड बी. मेरा यही पॉइंट था, दो बंदे ऑन द डोर, बाकी सब स्टे बैक अ लिटिल, नेगोशिएट प्रॉपरली एंड ये सब चीज़ें थोड़ा प्रोफेशनली रखो. तो लाइक लेट्स अभी थोड़ा बहुत ईजी छोड़ दिया था सब कुछ, बट लेट्स थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं. ऑल्सो लेट्स स्ट्रिक्ट पीडी अ बिट, ठीक है? मैं वैसा बोल रहा हूँ कि हम लोग स्ट्रिक्ट करते हैं पीडी, ठीक है? क्रिम्स को भी थोड़ा सा लाइक वी वेर गिविंग वेरी, दो तीन बार रिपेयर, दो तीन बार चेंजेस वगैरह, वो सब भी ठीक है. बट एक पॉइंट ऐसा होता है ना कि लाइक इफ दे ट्राई टू स्प्लिट अप, जैसे कि एक गाड़ी से चार गाड़ी हो रही है, एक गाड़ी से दो गाड़ी हो रही है, देन व्हेन यू पॉप टायर एंड वो सब, दैट मेक्स सेंस. बट एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी हो रही है बस, तो यू कैन लाइक गेट देम चेज देम एज वेल. सो वो सब चीज़ें हैं थोड़ी सी, तो वो ध्यान रखो. और तो आई थिंक जे बी वुड लाइक टू ऐड समथिंग ऑन दिस, देन वील टेक द डिस्कशन पॉइंट एज वेल. जे बी
एक तो मेन पॉइंट वही था जो प्रेशर अभी एड्रेस किया रेडियो कॉल्स वाला. रेडियो हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि लाइक बहुत ही ना चल रहा है वैसा. तो रशर ने जो बोला था रेडियो पॉइंट्स का वो चीजें स्टार्ट कर दो. ऑल्सो सीनियर ऑफिसर्स कॉर्पोरल जितने भी हैं आई हैव सीन सबको प्रमोशंस का है दिमाग में, लेकिन एफटीओज के लिए कोई भी कम अप नहीं कर रहा है. नो वन इज देयर फॉर इंटरव्यूज टेस्ट, कोई भी नहीं रहता है. मैंने देखा है जब तक सामने से बुलाया नहीं जाता नो वन इज इंटरेस्टेड कि मैं आके एफटीओ का काम कर लूँ. सो प्रमोशंस का सिर्फ ये नहीं है कि तुम उसका लाइसेंस बाइक का लाइसेंस ले लो इंटरसेप्टर लाइसेंस ले लो देन यू विल बी प्रमोटेड, वो चीज़ें नहीं है. यू गाइज हैव टू बी अ पार्ट ऑफ एफटीओ, यू गाइज हैव टू बी प्रेजेंट लाइक हर वे में पीडी पे प्रेजेंट रहना है. एफटीओ वर्क हो इंटरव्यूज हो टेस्ट हो तो उन चीज़ों को भी काउंट किया जाता है व्हेन यू आर गिवन अ प्रमोशन टू कॉर्पोरल या सार्जेंट का. ऑल्सो सार्जेंट टू ल्यूटिनेंट्स एंड ल्यूटिनेंट्स अबव के प्रमोशंस दीज थिंग्स टेक टाइम. ऐसा नहीं है कि ये दो दो तीन तीन महीने वाले प्रमोशंस होते हैं, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स है इसमें. तो इट्स बेटर कि तुम लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सुधारो. ऑल्सो सिचुएशन जंपिंग स्टिल हो रही है एक लाइक एक भी चल रही है. यू गाइस कम यू गाइस फिनिश द 80, चार लोग तो खड़े हो गए लाइक यू गाइस डायरेक्टली गो टू अदर 80 देन यू गाइस डायरेक्टली गो टू द अदर 80 अदर 80. ऑल्सो यूज ऑफ इंटरसेप्टर्स, यार देखो इंटरसेप्टर्स आई थी टू टैकल द एस प्लस EDM कार्स ये सब, बट नॉर्मल जेस्टर्स या नॉर्मल कोई एक ही गाड़ियों पे भी इंटरसेप्टर ए पे भी लाओगे ना तो समटाइम्स इट बाई चांस भी ऐसा होता है कि मोड चेंज हो जाए ना तो गाड़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है. तो चार्जर्स है यार, चार्जर्स बहुत पावरफुल है. इवन की टॉरस एड ऑन होने वाली है, टॉरस इज ऑल्सो देयर. टाहो टाहो कोई यूज ही नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ टाहो खड़ी रहती है सिर्फ. सर इफ आई कैन से समथिंग ऑन दिस. हाँ बताओ. टाहो इसलिए यूज नहीं हो रही है बिकॉज उसके आर्मर जो है वो बहुत ही अनबैलेंस है, तो थोड़ी सी भी ठुकती है ना एंड कुछ थोड़ी देर बाद ही वो व्हीकल स्मोक होके बंद हो जाती. Why wasn't this feedback shared? Sir, already बता चुके हैं, काफी बार बता चुके हैं. ना ना, this was I saw this thing in RP. तो मैं खुद जाके टेस्ट किया हूँ M45A1 को, लाइक आई गेस मैं तीन चार मैगजीन्स खाली कर दिया था बट उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ. क्योंकि जब मैं लोगों से पूछा था तो वो लोगों ने यही bloodline. So the damage is unpredictable. It's not like you will shoot two bullets and the damage will go 30%. No, it was not about the bullet shooting, it was about the, you know. Yeah, in general. In general, let me just tell you, Bloodline, the issue was, there was an issue with the damage system of every single car, not just AO. Yep. And it's been fixed. So let's do one thing, why don't you guys start using it again? Sure thing. If it's still happening, to feel free to share feedback. We'll ask the copies right now. Everyone knows right now who's sitting here that the development is fast. We know that. So I'm not just saying it to you, I'm just saying it for everyone that you guys know that the development is fast. You guys know if something needs to be fixed, or something needs fixing, it can be fixed within 24 to 48 hours. It's not that. Like the old days. So we'll use that. Share that. Yeah. Yeah. एक पॉइंट ये भी है, चेन ऑफ कमांड. हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक ऑफिसर एग्जाम में ये पूछते हैं चेन ऑफ कमांड क्या होता है, और वही चीज फॉलो नहीं हो रही है. सार्जेंट्स कॉर्पोरल सीनियर ऑफिसर पीडी में एक अगर एक क्रिम आता है, एक सिविलियन आता है, वो पीडी पे आकर बोलता है मेरे को चीफ से बात करनी है, तो कोई उससे सिचुएशन नहीं पूछता है. सीधा रशर को, मेयर को, राणा सर को सीधा ही चीफ को कॉल आ जाता है कि भाई आ जाओ इससे बात कर लो. चेन ऑफ कमांड में सीधा ही हर एक चीज चीफ को पहुंच जाती है. बीच में सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो आरपी एक तरीके से, वो भी एक आरपी है कि तुम एक सिचुएशंस को पास ऑन कर रहे हो अपने नेक्स्ट रैंक पे. अगर उस वो हैंडल नहीं कर पा रहा है तो नेक्स्ट रैंक पे जानी चाहिए वो चीज़. मैं देखता हूँ कि ब्लडलाइन होता है, जिमी होता है, इवन रॉबर्ट वगैरह सब होते हैं, लेकिन कोई इनको कुछ नहीं आके कंप्लेंट देता है. डायरेक्टली सीधा रशर पे, मेरे पे, राणा सर पे डायरेक्ट हाई कमांड पे आती है. तो उन लोगों को बोलो दे हैव पावर्स. ये लोग भी ल्यूटिनेंट्स हैं, सार्जेंट्स हैं, इन पे भी पावर्स है, ये लोग भी कर सकते हैं ये सिचुएशंस हैंडल. इतनी परमिशंस जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में हाई कमांड ही इन्वॉल्व हो. हाई कमांड का फिर ऐसा होता है कि जितनी भी चीजें हो रही है ना वो सारी हाई कमांड्स की ही है, कि हाई कमांड यस बोलेगा तो होगा, हाई कमांड नो बोलेगा तो नहीं होगा.
बाकी तुम लोग को भी है परमिशन, यू गाइस हैंडल द सिचुएशंस, तभी तो आगे प्रमोशंस मिलेंगे। इस वक्त ऐसा लगता है कि कोई भी खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा है, हर बंदा डिपेंड कर रहा है कि आगे से वो ऑर्डर आएगा तो ही हम करेंगे। हो सकता है गलत भी डिसीजन लो, लेकिन ट्राई तो करो डिसीजन लेने का, एक दूसरे पे चीज डालते रहोगे तो नहीं होगा। सो मेक श्योर वो चेन ऑफ कमांड फॉलो हो डायरेक्टली, रशर मेरे को रांसर डायरेक्टली ये वाले पॉइंट्स ना आए कि इनको बुलाना। और वो एक चीज ये है डीओजे वाली साइड से, ठीक है, तो डीओजे का भी देयर इज आरपी डीओजे की, जब लॉयर्स को बुलाते हैं ना तो उनको जब हम इंटरोगेशन में भेजते हैं तो वो चीज ध्यान रखो, इंटरोगेशन में जा रहे हो तो स्लैश मी स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग वाली आरपी प्रॉपर तुम करो, ठीक है। अगर वो आरपी नहीं कर रहे हो तो वो एविडेंस या कुछ भी वैलिड नहीं माना जाएगा। आई गेस ऋषित ये अनाउंसमेंट कर ही देना स्टार्ट्स स्टार्ट और स्टॉप। यस यस यस, तो ये चीज इंटरोगेशन में ना ये चीज का ध्यान रखो, बाकी तो आई गेस लाइक सो ही। आल्सो वन मोर थिंग रिगार्डिंग वारंट्स एंड हाउस सर्च वगैरह, वी डोंट डू इट ऑन आईफैक्स और ये सब छोटी-छोटी चीजों पे, लाइक वी डोंट गिव वारंट्स आउट। अगर कुछ वेपन है पीडी वेपन है और वो सब है एंड बहुत क्रेजी पास रिकॉर्ड्स हैं उसके, तो लाइक यू आस्क फॉर अ वारंट, ठीक है। अभी ऐसा कि एक जैसे ग्लॉक मिल गई, चलो इसका घर खोल देंगे ये खोल देंगे, वो सब चीज़ें नहीं होती। एक देर इज़ अ चार्ज वहाँ पे पीडी वेपन्स का और पीडी इक्विपमेंट्स का भी एक चार्ज है विच इज़ वेरी हाई आई बिलीव। वो उसकी वैल्यू भी बहुत हाई है, तो वो भी दोगे तो भी ठीक है। बट अगर वो बंदा ऑलरेडी 10 बार कोर्ट रेड कर चुका है या 5 बार कोर्ट रेड कर चुका है एंड ही इज लाइक अ वेरी वेल नोन क्रिमिनल, फिर उसके उस पर वारंट मांगो तो इट मेक सेंस। बट नो ऑन आईफैक्स वगैरह वो सब चीज़ों पर ये वो मत डालना वारंट्स की और ये सब। Okay, let's just start picking up points then. Also, one more thing about Rana, second. Rana, major decisions जो होता है ना, Rana basically discuss with us, like एक group है हमारा, पे वो मेरे को पूछ लेता है, हम लोगों को सबको पूछ लेता है, and then वो कोई decision लेता है, like giving a strike और वो सब, he doesn't give it directly, he asks for it, and उसके बाद like हम लोग उसको agree करते हैं, तब वो देता है, but yeah. कुछ चीज़ें हैं जो राणा को भी मैंने एड्रेस करी हैं कि कुछ चीज़ें जो रॉन्ग होती है, एंड राणा नोज इट वेरी वेल एंड ही अग्रीज, ही इम्प्रोवाइजेस। जैसे कि कुछ कमांडिंग सिचुएशंस वगैरह थी, टेकिंग ओवर कमांड्स वगैरह थे, वो ऑलरेडी ही नोज कि हाउ टू मेक थिंग्स ओके, और लाइक उसको बता दिया कि क्या गलत हो गया था क्या नहीं। तो ही इज़ लाइक, ऐसा नहीं समझो कि राणा इज़ लाइक वही खुद कर रहा है ही ऑलवेज मेजॉरिटी टाइम है ना डिस्कस करते हैं वो चीज़ें एंड देन उसके बाद लाइक ही डजन आर पी। इट्स लाइक कभी कुछ ऐसा टाइम होता है ना जहाँ पे जो टाइम पे आई एम एट ऑफिस या लाइक आई कुडंट डू स्टफ और उसके सामने वो चीज़ें हुई होती है, तो ही आस्क कि सर इज़ दिस एक्शन ओके या वो सब, ही टेक सजेशंस कलेक्टिवली एंड देन उसके बाद भी हम लोग उसको दे देना, तो फिर ही डज इट इन आर पी। सो इट्स नॉट लाइक कि वन साइडेड है, बट या इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक। आप जो भी अंदर अंदर किसी को भी एक दूसरे से या किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, तो एक दूसरे से लाइक गेट इन अ वीसी सॉर्ट इट आउट, दैट्स मच बेटर रादर ओपनिंग अ टिकट और रादर बस ऐसे ही फील करते रहना कि ये मेरे को टारगेट कर रहे हैं, ये मेरे को अच्छे से बात नहीं कर रहे, या कोई भी हो लाइक एनी, जाओ उनके साथ बैठो एंड उनसे बात कर लो कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड सॉर्ट इट आउट। एक और चीज है इस लाइक एक दूसरा पॉइंट है बीसीएसओ यूनिट्स का कि गाइस सैंडी या पैलीटो पे जब लोग अरेस्ट होते हैं ना तो उनको मत लेके आओ पूरा सिटी तक, ले जाओ सैंडी पे भी, पीडी बीसीएसओ फुल ऑपरेशनल है, हर एक चीज है वहाँ पे। आई गेस हमने कुछ दिन पहले ही कुछ को लेके गए थे, तो बीसीएसओ वाले को भी यूज करो, वो पूरा वहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं था तो सबने बहुत जल्दी जल्दी डलवाया, अब वो डल गया है स्टिल यूज नहीं हो रहा है। लाइक वहाँ पे पूरा का पूरा पीडी है जो कि वेस्ट सिर्फ ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी के लिए यूज हो रहा है, तो उसका यूज करो, वहाँ पे पड़ा हुआ है पीडी। और बीसीएसओ वाले अगर खुद ही यूज करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना तो फिर वो नहीं होगा। इवन एलएसपीडी वाले जब बाहर होते हो ना तो यू गाइस कैन टेक देम ओवर देयर, इतना टाइम मत वेस्ट करो पूरा यहाँ तक लाने का, बाहर बाहर ही प्रोसेस कर दो, वहाँ पे हर एक चीज है, तो वो पीडी को भी यूज करना स्टार्ट कर दो। बाकी
और भी चीजें लाइक एक और थिंग है वो बाद में हो जाएगा, राना सर बता देंगे. चलो देन लेट्स जस्ट स्टार्ट एड्रेसिंग पॉइंट्स. सबसे पहले आई विल जस्ट एड्रेस के इधर का पॉइंट, पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग पुलिस, पुलिस को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए. आई ऑनेस्टली थिंक दैट इट इज द ऑफिसर्स फॉल्ट, हाफ ऑफ इट इज द ऑफिसर्स फॉल्ट, आप लोगों की गलती है. वेयर यू गाइज बिकम टू कैजुअल with some people, even with me, I would say, which should not happen. If someone is disrespecting you, you can, there is a charge of disrespecting a police officer and you can charge them for it. It is absolutely fine. I think more or less, isme there are mostly it happens due to people where people have a Kim character and their gang members come and do it, and then once that becomes normal, they start doing it with everyone else. So I basic request that I have from all those people who have a crim character as well, stop doing that. Come on, matlab, you are a Leo at the end of the day. Stay true to your character. Just because they are your OC friend doesn't mean that, you know, you allow them to do or pull any kind of random shit that they want to do that. Codes are not being used. Ye address kar diya hai. How would we know if anon calls have RP or not? I think that shouldn't stop us from responding. Fury, anon calls, we don't know what is the reason behind those anon calls or if there is any RP. It's 50-50, right, at the end of the day. And right now, the way it's happening, it's probably 90-10. Where people are just doing it for the heck of it. Iska na ek NRP bhi humne ek reasoning di thi ki anon RP, you never know किसने किया. It might be a trap from a gang कि वो तुम्हें फंसाना चाहती है इन अ कोड रेड. क्या पता तुम लोग, उन्होंने 10 बीट लगाए और वहाँ पे तुम लोग चले गए और उन्होंने तुम्हें शूट आउट कर दिया. तो it could also be a hoax. वही फिर it could also be a hoax. मैं जाऊँगा सर्वर में, मैं 10 जगह जाके anon calls कर देता हूँ. क्यों सिर्फ PD को तंग करना है मेरे को? I mean PD gets, I mean even in real life PD gets a lot of hoax calls as well. जस्ट कुछ कभी कुछ निकला. यू कैन बेसिकली रिस्पॉन्ड टू दैट अकॉर्डिंग टू दैट. कैन वी कॉल 99 एट ज़ेनकुडो मिलिट्री बेस एंड पीडी अटैक? दिस इज समथिंग व्हिच रशर और जीवी हैव डन सर. आई गेस यस रशर मिलिट्री बेस पे कुछ तो मिलिट्री बेस एंड वो सब वहाँ पे जेट चोरी हो रहा है यार. दे आर लाइक हाई अलर्ट मिलिट्री. यप तो यार हाई अलर्ट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज वहाँ पे. आई गेस सो लाइक यू शुड, माय व्यू इज दैट यू शुड कॉल अ 99 एट ज़ेनकुडो मिलिट्री बेस बिकॉज़ आई आल्सो नो दैट ज़ेनकुडो मिलिट्री बेस में पीपल एट टाइम्स गो बिकॉज़ देयर इज दिस वन पर्टिकुलर रूफ जहाँ पे सिर्फ दो एंट्री है. Zancudo, then there is SWAT headquarter, वो न्यूज़ वाला, और एक कोर्ट हाउस. So these, I mean, जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो first of all, I would say that there is low effort from their end that you are entering a military base. That's one. So you guys are free to do anything then. It's a high security zone called to call a 19 zones, I would suggest. बाकी the call needs to be taken by Russia. Yeah. All right, next is like we are 99, uske liye I agree because it's a military base. Obviously military base ek aisa point hai. News chalo theek hai, it's like a, we can like give a little spots because it's GTA, aage chalke there are less spaces. News ka kuch situations wagera, like you can do it, but military base thoda sa like it's like a big thing. So locals bhi rehte hain, SMG yeah, locals bhi rehte hain and everything, so udhar 99 is okay. बाकी द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिमिनल्स ऑल्सो गॉट अ शो एटलीस्ट बिट ऑफ फियर. एक और रिपोर्ट आई थी कि पीडी बिहेव्स डिफरेंटली बाय पीपल, लाइक लोगों के सामने, लाइक कुछ लोगों के साथ बिहेव अलग करते कुछ लोग. तो उसमें मेरा एक ये भी पॉइंट था इन सपोर्ट ऑफ पीडी कि देर आर मल्टीपल ऑफिसर्स, ठीक है, अब एवरी ऑफिसर हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ गिविंग सपोर्टिव या फिर टेकिंग हैंडलिंग ओवर सिचुएशंस. अभी आज मैं अगर कोई वैंजलिको पे हूँ तो मैं अलग टाइप से हैंडल करूँगा, अगर जे बी होगा तो वो अलग टाइप से हैंडल करेगा. दैट्स देयर वे ऑफ थिंग्स. सो इट डिपेंड्स ऑन पीपल कि हाउ, लाइक दिस इज़ फॉर द क्रिमिनल्स बेसिकली आई एम टेलिंग,
कि ऐसा नहीं है कि किसी को बोला गया है कि ट्रीट एवरीवन इक्वली. यू कैन नॉट ट्रीट लाइक देयर आर 50 पीपल हियर. सबका तरीका अलग होता है. वो सबका तरीका इक्वल करना इज लाइक अ वेरी बिग थिंग. पॉसिबल भी नहीं है. हां, इट्स नॉट पॉसिबल. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे देयर आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स. यू कैन नॉट एनकोड इट इन देयर जेनेटिक्स एट द एंड ऑफ द डे. के रोबोट्स नहीं है कि भाई तुम्हें ये करना है तो यही 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 यही, यही करना है. So that's not possible. जिनका cop character वो hardcore करा है, criminals also behave with certain cops in a different way and certain cops in a different way. नहीं नहीं ऐसा possible नहीं है. सारे streamers हैं और criminals also love going behind probably Rana because you know he's a little bit strict and would probably leave just an example PP would probably leave Ganesh because I mean duty पे भी कमाता and he's more chill. So that is it. It goes both ways. It's not one way. It definitely goes both ways. So also criminals also got to show at least bit of fear. जो ये चीज़ है ना, we'll address on community meeting as well. Yes. कि yes. बोलो भी क्या है. But see, एक और point था कि कल जैसे हुआ कि after 3 or 4 days, he still मतलब बंदा भाग गया, right? और Nico said कि सर आपने तो मना किया है मुझे कफ करने को, तो मैंने कफ नहीं किया. बट आफ्टर 3 tases ही डजंट स्टॉप, राइट? देन यू कैन लाइक टेज एनिमेशन में ही कफ कर दोगे तो इट्स फाइन. बट यू गेव देम अ प्रॉपर चांस टू फेस द वॉल, हैंड्स अप, वो सब. तो वो टाइम ठीक है, लाइक यू गेव देम एटलीस्ट 3 chances या 2 chances. इतना बोलने के बाद भी ही स्टिल डज इट, तो देन यू कैन गो फॉर कफ. ऐसा नहीं है यू कैन नॉट, बिकॉज बट या ओके, पहली बार में ही टेज कर दिया, फिर उसको खड़े भी नहीं होने दिया, हाथ ऊपर नहीं करने दिया, तो कफ कर दिया. दैट इज लाइक अ वेरी ड्राई हार्ट काइंड ऑफ थिंग. ये मेरे पॉइंट पे ही डिस्कशन हो रहा है ब्रो. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. मेरे पॉइंट में ही डिस्कशन अभी आ रही है. आवाज बेटर. आई विल जस्ट एड्रेस द नेक्स्ट पॉइंट अंटिल देन. व्हाई आर वी नॉट अलाउइंग करप्ट आरपी फॉर अदर्स? If we allow corrupt RP for others, I know that consciously, unconsciously, things will go bad. Agar pure, I mean, I know that if I allow corrupt RP for everyone, what will happen is that people basis situations, people basis things, you know, they'll take different decisions and different mindsets. So I am not sure it should... and. The city will become a mess if you allow it for everyone, basically. That's the point. And this kind of RP was brought to us, and that is why we allowed it. And I don't want to... I really do not trust, I will say, is a big thing. I really do not trust everyone else to do it. I'm so sorry to say this, but I do not. That's basically it. I would like to add as well ki why we are not allowing corrupt RP for everyone, because there are like mechanisms. Theek hai, jaise ki MDD ho gaya, if a corrupt cop decides, theek hai, wo /MDD karega wherever, kahin pe bhi, he is just right click and delete an MDD. ye cheez bahut zyada affect kar sakti hai, armory exploit ho sakti hai. और कितनी ही चीज़ें हैं जो मैकेनिज्म वाइज पीडी के पास एक एक्सेस होता है जो एक्सप्लॉइट हो सकता है, और वो चीज़ हम उन लोगों को नहीं दे सकते जिन लोग के पास लाइक बेसिकली ट्रैक नहीं रख सकते. जैसे कि इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ राका, ही डज स्ट्रीम एंड ही डज एवरीथिंग ऑन स्ट्रीम. वी नो कि वॉट ही इज़ डूइंग एंड वी हैव अ ट्रस्ट कि ही वॉन्ट एक्सप्लॉइट थिंग्स. सो उस बेसिस पे अलाउविंग हिम इज ओके, बट अभी अलाउविंग 50-80 ऑफिसर्स और फिर उनको ट्रैक रखना इज लाइक बेसिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और देर आर माइनर थिंग्स जो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं. काफ़ी लोगों के कॉप एंड क्रिम कैरेक्टर्स दोनों हैं. अब वो करप्ट आरपी में लोग ऐसे लूप होल्स भी ढूंढ सकते हैं कि दे कैन टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट स्टाफ या टे कैन टेंड टू डू कि ये तो हमारी आरपी है, ये है, वो है. एंड उसमें वो चीज़ें हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो सकती है. मुश्किल क्या, बहुत इम्पॉसिबल सी हो सकती है अगर 80 पीपल को हम लोगों ने अलाउ कर दिया कि ये करप्ट आरपी है. वो इम्पॉसिबल, आई मीन द होल सर्वर, इट विल
There is a reason why there are two forces, right? Black and white. If we just make everything gray, then it's just chaos. अभी आ रहा लक्ष्य में मेरा आवाज हाँ जी बेटर ओके ओके सो जो टेजर के बारे में बात चल रही थी सो आई वी आर गोइंग बैक सो लोग ये भी मैं देख चुका हूँ क्लिप्स भी हम भी देख चुके हैं आई हैव फॉरवर्डेड पीपल आर टेजिंग व्हाइल दे आर सिटिंग इन मतलब बाइक के ऊपर बैठ के जा रहा है या फिर एक हाई लोकेशन पे लैडर पे दैट इज लाइक पीसी आई वुड से बिकॉज वो ऊपर से गिर के डाउन हो सकता है एंड नाउ बाद में सिचुएशन कुछ और एस्केलेट हो जाती है तो आई वुड से अगर वो भाग जा रहे आई वुड से बाइक पे बैठा तो तेजी मत करो आई दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन करेक्ट मी बाइक पे बैठता है हमको दिखता है शायद एट टाइम्स वी हैव अ डिले वो बाइक चले जाती है ये पीछे गिर जाता है डाउन हो जाता है सो आई वुड से एक चांस है तो भाग जाता तो यू हैव व्हीकल्स चेज कर दो माय पॉइंट ऑफ व्यू वो भी है ना क्या बोलते हैं अगर वो दो तीन टेज पे नहीं रुक रहा तो उस दिन किसने आई थिंक वायु ने किया था ना नाइट स्टिक से उसको रोकने की कोशिश कर रहा था एक दो बार मार के लाइक अरेस्ट कर लो यार अरेस्ट कर लो 5 मिनट तक ना वो भाग के जा रहा था और दिस इज द थिंग नो यू आइदर बिकम टू सपोर्टिव विद समवन और यू बिकम नॉट एट ऑल सपोर्टिव विद समवन तो ये बैलेंस जो बनाना है ना ये एट द एंड ऑफ द डे आई विल से इट्स बेसिस सिचुएशन एंड बेसिस व्हाट काइंड ऑफ सपोर्टिव आरपी आपको भी कैसे मिल रही है वो डिपेंड भी करता है कि सामने वाला भी कैसी दे रहा है आरपी वही वही कि आपको कैसी सपोर्टिव आरपी मिल रही है वो भाई तुम तेज चार बार तेज कर चुके हो चार बार ही अगर आईआरएल तेज हो जाएगा मतलब उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा हार्ट अटैक के लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे में क्या करो दो अब क्या सीन है जैसे तीन दो दो टेज होते हैं ना हमारे उसमें तो उसके बाद लेक्स भाई आप भागते भागते रिलोड नहीं कर सकते हो मैगजीन टेजर की तो नाइट स्टिक यूज कर लो नाइट स्टिक से रोकने की कोशिश करो एक बार में डाउन नहीं होता नाइट स्टिक से आई गेस बंदा अगर थिंग आई वुड सजेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन हम पांच छह टेजर मारने से अच्छा हम दो ही टेजर एक बार कैटर दो टेजर देन गो फॉर नाइट स्टिक या उसको तीन टेजर पड़ के नाइट स्टिक यूज कर लो बाद में जो होता है यू कैन यूज योर चार्जेस एंड हाइट लोकेशन पे बंदा खड़ा है टेज मत करो टैकल मत करो पानी में टैकल अभी तक तो मैं नहीं देखा सुना आई डोंट हैव कंफर्मेशन पानी में टेज टैकल मत करो गाड़ी पे जब जा रहा है टैकल मत करो टेज मत करो इफ आई एम wrong rusher will correct legs will correct like the if the car's moving was what time by you cannot tell but like if you given yeah. several warnings and still agar banda gaadi mein baithta hai to you can like instantly do it also core point yaad aa raha hai yeah ladder tases so वैसे भी allowed नहीं है it's like a pg right yep so ladder pe agar koi chadh raha hai to tase mat karo find other way around also एयरवन डिपार्टमेंट आई थिंक एयरवन डिपार्टमेंट में गणेश लैंडिंग वैंडिंग और वो सब का टेस्ट होता है ना प्रॉपर because I have seen everyone crashing a lot. So, थोड़ा सा एक और बार रीटेस्ट हो गया देख लेना इस बार ही तो yeah. like last time जो मैंने निकाल दिए कुछ उसके बाद से कम हुआ है I feel like also if one more thing sorry EP if you need a different chopper तो उसके बारे में एक बारी मेरे से बात कर लियो वी डोंट माइंड गिविंग रिसोर्सेज बट आई मीन दे शुड बी प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड दैट्स माय ओनली पॉइंट या दैट विल बी हेल्पफुल मैवरिक है ना जो नॉर्मल वाला भी थी उसी का ही देखो हां वही आई मीन हां वो तो हो जाएगा कोई सी वो जीटीए के हिसाब से परफेक्ट है क्योंकि आल्सो वन मोर थिंग अबाउट द स्पाइक्स का बताना था मेरे को कि जो स्पाइक स्ट्रिप्स है ना लाइक जैसे कि बैनी वैनी ब्लॉक कर रहा है तो वो करो कि बैनी के बाहर की तरफ लगाओ तो ही कैन एटलीस्ट ट्राई टू गेट अ वे आउट ऐसा नहीं अंदर उसकी हाफ वे में लगा दो बिकॉज वो स्ट्राइक ऑटोमेटिक जाती भी नहीं है इट स्टेज देयर फॉर अ व्हाइल वो अभी मना कर दिया स्पाइक का ये सीन है अगर स्पाइक लगा के रिमूव कर दो ना तो अगर कोई बंदा नैप लेके आएगा ना वापस तो स्पाइक उसके लिए रहेंगे वापस लाइक उस दिन हमने स्पाइक रिमूव करे तो ये क्या बोलते हैं दद्दू आया और इसके लिए स्पाइक स्टिल थे और कोई एक और बंदा था उसका टायर भी पॉप हो गया एंड सेकंड थिंग वही नहीं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो है उनको वो रिमूव हो जाता है ओके ठीक है नोटेड या वो प्रॉप रेजिस्टेंस हुआ है ठीक है वो देखते हैं
It's no fun in situations. I think this goes without saying, and ye to no abuse in scene, please. Matlab, I am not sure about tagging people. I am just saying that it's for everyone. This is basic. You bhi police nahi hai Noida ki ki chal raha hai bhai aur Ghaziabad aur Gurgaon nahi chal raha hai ki bhai gaaliyan chal rahi hain aur ye chal raha hai aur wo chal raha hai aur baat nikal wo nahi pata thoda professionalism wali baat hai. If until unless you try and get it in you, then I mean there's no difference between a gang and PD then, no, if you guys also do the same thing. There one overlapping calls. So overlapping calls ka to bhai, I think Rusher and JB ko nikalna padega koi solution, because I think it's and ye ever ending, never ending problem hai this. Yeah, wo every meeting mein there's a common point. It's like a dispatch, radio, chatter, basically. ये सब चीज़ें, but अभी recent में बहुत समथिंग रशभ भाई इसके लिए क्या करें, लाइट नहीं, नेट जा रहा है यार. लाइट तो गई भी है, इंटरनेट जा रहा है. स्टैटिक साउंड, वैसे ही स्टैटिक हो गया. सही, थिंग्स मोर ऑर्गेनाइज्ड. एक बार आप लोग देख लेना जब भी सर्वर में हो. या ए प्लस जीएसआर बग रहा ना? नो, नहीं, आई डोंट थिंक सो. इट्स बग. पीपल, आई टेल यू, पीपल हैवंट फिगर्ड आउट. सम पीपल हैवंट, सम क्रिम्स हैवंट फिगर्ड आउट द वे. दे आर जस्ट थिंकिंग कि अच्छा ऐसे आदमी में पानी से धुल जाता तो धुल जाता होगा और समथिंग लाइक दैट. अभी एक सिनेरियो हुआ था, एक 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 मैं कोई के पॉइंट बोला था. सॉरी टू कट यू ऑफ जेबी. नो दैट्स सॉरी. सो अभी एक सिचुएशन हुई थी जिसमें मतलब एक क्रिमिनल था, उसको गोली मार दी थी. तो उनको उन्होंने हमने उनका जेसर लिया, उन पे फेलन ही हुआ था, बट दे डिडंट स्टॉप. तो उनके ना टायर पॉप किए गए थे. तो उनकी गाड़ी पे टायर ऑफ कोर्स गोली चली एंड मतलब टायर पे. तो फिर उसके बाद हमने जब उनका जीएसआर लिया तो वो पॉजिटिव आया. वो मेरे को बोल रहे हो उसी में कि उसने गोली चलाई नहीं है. वो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ वो चीज़ क्या है कि व्हेनेवर अगर तुम्हारे आजू बाजू या कोई रेडियस में गोली चलाएगा ना तो तुम्हारा तुम्हारे ऊपर भी गन पाउडर आ जाएगा, इसलिए तुम्हारा जीएसआर पॉजिटिव होगा. तो उससे हमें ये चीज़ नहीं पता लग रही है. फॉर एग्जाम्पल उस दिन यूफो के साथ सीन हुआ था, यूफो के थोड़े दूर में ही शूट आउट चल रहा था तो उसका भी जीएसआर पॉजिटिव आ गया बट उसने गोली नहीं चलाई थी. तो वो चीज ना थोड़ा वो हो रहा है कि अगर तुम्हारे आसपास भी अगर कोई गोली चलाए ना तो तुम्हारा जीएसआर पॉजिटिव हो रहा है. तो पीडी के लिए ये समझना मुश्किल है कि वो सही में चलाई है या नहीं चलाई, वो चीज हो रही है. उसके लिए क्या है कि अगर उसके पास लाइसेंस है, रीजन मैं बता दूंगा भाई, अगर उसके पास लाइसेंस है यहाँ, यस कोई प्रमोट नहीं कर रहा बट वी कैन डू गन के साथ आप मैच करके दे सकते हो. वहां केसिंग इस गन का मिली कि नहीं, इसके पास इलीगल गन है वो पकड़ा जाएगा ना सर. वो बात वो नहीं है ना. अभी इनको जैसे अभी ये जो नीको बोल रहा है ना, बिल्डिंग सिचुएशन बोल रहा है, इसमें क्या था कि इन्हें रिपोर्ट आई कुछ देर पहले इस गाड़ी से गोली चली, बट कहां चली है वो इनको थोड़ी पता. इनको सिर्फ एक इन्फो आई थी. जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा वहां जहां गोली चली है वहीं वहां लाइक मिले, तो वो चीज हमें जरूर, वो चीज नहीं पॉसिबल. तो आई गेस
वो लेक्स भाई थोड़ा शायद ठीक करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस हमें सब रेडियस नहीं होता क्या है बता मैं जस्ट कट यू ऑफ सॉरी जेबी मैं कट यू ऑफ अगर कोई किसी को भी गन पाउडर स्मेल्स लाइक गन पाउडर दिखता है तो उसका पॉजिटिव आ जाता है लाइक गन पाउडर क्या बोलते हैं एयर में ट्रैवल करता है तो गोली किसको पड़ रही है उसको भी पॉजिटिव दिखा रहा है क्योंकि गोली लगी है उसको एंड जिसको जिसने गोली मारी है एंड उसका रेडियस में जितने लोग हैं क्लोज अगर इसे टायर भी पॉप करोगे ना तो भी आ जाएगा गाड़ी का टायर तो आएगा अच्छा बट लाइक आई एम सॉरी टू कट यू ऑल नहीं हां बोलो बोलो आई प्रोबब्ली बी लीविंग राइट आफ्टर दिस गाइस इट्स आई मीन वी आर ट्राइंग बट देन क्या होता है ना कभी-कभी बहुत चीजें पता नहीं चल पाती ये सब दीस थिंग्स आर इजी टू फिक्स ट्रस्ट मी दीस आर इजी टू फिक्स मैं एक मैसेज डाला है अगर आफ्टर दिस मीटिंग यू गाइस कैन लाइक पुल 10-15 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं माइनर फीचर एडिशंस मेगाफोन ऑलरेडी हैपनिंग फॉर यू गाइस टेस्ट में ऑलरेडी आ गया वी आर टेस्टिंग इट मेन पे मेन पे भी है आई थिंक वी जस्ट नीड टू डू सम माइनर ट्वीकिंग आइटम ऐड करना है वो सब इन इन्वेंटरी तो वो हो जाएगा तो मेरे को इफ यू गाइस कैन कम अप टुगेदर एंड यहाँ पे एक चैनल है लियो बग्स एंड रिपोर्ट्स का आई नो आई मैंने पहले बोला था कि मत यूज करो बिकॉज दो जगह ट्रैक रखना मुझे के लिए मुश्किल हो जाता है बट इट्स जस्ट बिकॉज यू नो पीडी इज सो इम्पोर्टेंट एक बार आप लोग बाई टू नाइट और यू नो मे बी टुमारो जब भी यू गाइस वांना टेक टाइम एक बार जस्ट कम टू कंसेंसस अपना लियो जनरल में डिस्कस करके कि ये पॉइंट्स भेज रहा हूँ कोई कमांड मेंबर शुड से कि आई मीन दीज 10 पॉइंट्स वी फील इज इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ ऐड करना है एंड देन हैव लाइक अ हेल्दी डिस्कशन और कुछ माइनर आई एम नॉट सेइंग ओनली बग फिक्सेस माइनर फीचर एडिशन विच कैन एनहांस योर आरपी के इफ यू गाइस कैन जस्ट पुट इन लियो बग्स इन रिपोर्ट टैग मी लेक्स एंड रिशित वील टेक इट फ्रॉम देयर I'll start working on it top priority. Pronto. ये collectively कर लेना यार. Don't do. ये आप ऐसे करना पता है हम लोग के लिए मुश्किल पता है कब हो जाएगा? जब वहाँ पे we'll see 20 messages उसमें बहुत बार क्या होता है ना? Two people are trying to say either same things or controversial things. ठीक है? So I want you guys to do that in Leo General. ठीक है? And then put it in Leo Works and Report. मेरे को tag करो आप, Lex को tag करो. I'll pull it. मैं आज रात भी चेक करूंगा कल भी चेक करता रहूंगा I'll assign a dev specially to start working on only PDT. ठीक है car related we have TIG but I mean it's there anything still which you guys feel वैसे there are changes तो अगर जो मैं टाहो वाला situation सुन रहा था it's more like I know what happens it's muscle memory कि when you do something और वो पहले बग था एंड यू स्टॉप यूजिंग इट तो वो जब फिक्स होता है तो इट्स अंटिल समवन टेल्स यू यू कैन नॉट गो बैक सो आई अंडरस्टैंड तो ट्राई गो बैक चेक इट एंड अगर नहीं हुआ होगा विल रीवर्क इट बट आई मीन इट्स यू नो दैट्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसेस गो राइट तो बट वी वॉन्ट टू नो कि हुआ है वो और टेस्ट इन्वायरमेंट में ना इट्स रियली डिफिकल्ट टू नो दीज बग्स दे कैन ओनली बी नोन ऑन लाइव इन्वायरमेंट जहाँ पे 150 प्लेयर्स आर प्लेइंग देन ओनली वी नो कि हाउ थिंग्स आर ब्रेकिंग फॉर ऑनेस्टली आई विल टेल यू 5-10 पीपल्स व्हेन वी टेस्ट स्टफ एवरीथिंग गोज बटरी स्मूथ बट आई नो कि इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड वो जब 150 लोगों को दिया जाएगा तो देयर विल बी लूप होल्स व्हिच कुड बी एक्सप्लॉइटेड देयर आर थिंग्स व्हिच आर ब्रेकिंग एट टाइम्स वो होता है तो दैट्स व्हाई वी नीड योर हेल्प सो यू गाइस आर नॉट जस्ट प्लेयर्स आई मीन स्लैश टेस्टर्स फॉर अस तो जितना आप लोग रिपोर्ट करोगे डोल सर्वर एक्चुअली सब बेटर या वी विल बी एबल टू मेक दिस अ बेटर एनवायरनमेंट आई एम वेरी सॉरी तो आई विल लीव आई हैव अ कॉल बट देन आई सनी एंड यू नो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप एंड जेबी बट जो भी फीचर आप लोगों को चाहिए मैं खुद भी देखता रहता हूं पीडी के लिए फीचर बिकॉज़ एविडेंस मी एंड लेक्स वर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम वी वांटेड टू हैव लाइक अ रियली गुड सीएसआईआरपी अप वी विल सी कि हाउ यू नो हाउ कूल यू गाइस विल एक्चुअली मेक इट इनटू पर I mean, with time progression, और भी चीजें करेंगे but then for now, you guys feel कि कुछ minor addition, कुछ major भी है if you guys want to put it on our notice, do not shy. आप उसमें डालो, we'll start working on it. We'll have a dedicated dev to start working on PD issues. जो server-sided है. UFO's point, cop characters and personality, I think काफी support RP and lenient होकर cop के RP को एकदम respect नहीं मिलती. I think the cop game should be a bit up. I know you have RP relations to many civilians, but you can tell them के time pass
बाद में करते हैं ऑफ ड्यूटी आकर. राइट नाउ आई एम इन ड्यूटी गोइंग टू फूड प्लेसेस नॉट गिविंग इट्स कोड. आई थिंक कॉप का बेसिक फेयर मेंटेन करो ताकि अच्छी आरपी हो, नॉट अ फ्रेंडशिप थिंग ऑल द वे अराउंड. आई वुड से कॉप का बेसिक रिस्पेक्ट मेंटेन करो, नॉट फियर. प्रॉब्लम यू, आई एम श्योर यू फो मेंट रिस्पेक्ट ओनली. तो कॉप का बेसिक रिस्पेक्ट मेंटेन करो, जस्ट डू दैट. एंड yeah, this is incorporated. Don't use abusive offensive words towards your fellow officers, seniors, no matter how close you guys are. I rather even an RP, just don't do it in public. Yeah, I mean, this is again basic expectation from PD. In city gang war mein police ko interfere karna chahiye, don't kill them but try to arrest them. I would say ki once the gang war is completed, then you guys can interfere. क्योंकि वो दो लोगों की सिचुएशन के बीच में वो थर्ड पार्टी बहुत भसड़ हो जाएगी. आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई मीन दैट्स माय सजेशन. सी, एक ये पीओवी से सोचो कि यू आर अ क्रिमिनल, यू आर गोइंग फॉर अ वॉर. ठीक है, चलो इट्स लाइक अ थिंग. अभी जो आरपी में है वॉर एंड ऑल, लाइक दे ट्राई टू फाइट एंड देन दे ऑल्सो ट्राई टू मेक कॉन्टेंट एज वेल. ठीक है, अब कुछ लोगों का कॉन्टेंट ऐसे होता है कि वॉर वगैरह से निकलता है, तो ठीक है. सो कुछ लोगों का वो ऐसा होता है कि हाँ, गुड्डी भाई का माइक अनम्यूट हो गया, वो आवाज आ रही है गुड्डी भाई, इन आरपी है ना. अच्छा, सो अगर साउथ साइड है, मैंने ऑलरेडी एरियाज बता रखे हैं काफी हद तक कि एवरीवन नोज इन द कॉप डिपार्टमेंट कि साउथ साइड और ये सब पे वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट एज मच एज एविडेंस वी कैन. ठीक है, जितना हो सके वी ट्राई टू टेक नंबर प्लेट्स, वी ट्राई टू टेक देयर क्लोथ्स, वो सब कितने भी वो लोग लाइक ट्राई टू गेट मैक्सिमम एविडेंस. आफ्टर देयर एवरीथिंग इज ओवर यू गाइस कैन गो इन. ऑल्सो एक और पॉइंट है कि इफ दे आर डूइंग इनसाइड सिटी पब्लिक प्लेसेज लाइक कैफे, लाइक पिल बॉक्स या लीजन स्क्वायर, वाइनवुड और ऐसी सब जगह पे करते हैं अपार्टमेंट्स के पास, सो यू आर अलाउड टू न्यूट्रलाइज वो ही टाइम पे even when their shootout is going on. Agar aisi public spaces hai to wahan pe to you guys can directly neutralize it, but if they are doing it south side ya outside city to let them finish, let them get over, try to take evidence. I know thoda sa hum log aisa lagta hai ki we are like bot standing just watching things, but see from a criminal perspective ki yes, like they cannot fight five people in front of them and 10 more PD people back of them, right? There's like no balance. So let them finish their stuff. ठीक है, उसके बाद chase them. कल जैसे एक scenario हुआ, कल एक war में दो gang की war हुई. उसके बाद हम लोगों ने एक बंदे को chase किया and उसने surrender कर दिया basically आगे चल के, cause उसको warnings दी, उसको बोला गया, सब कुछ किया, उसके बाद उसको surrender करवाया हम लोगों ने. Like he did surrender, he was a criminal, usne shoot out kiya, sab kuch kiya, but then wo jaake surrender bhi kiya and we got them in custody. So wo perspective se dekho, aisa mat socho ki like yeah, hum log to ek bots ki tarah hai, bas door se dekhenge, kuch nahi kar rahe, ye wo. Are real life mein bhi to other way around, wo perspective bhi aisa ki un log ka agar this stuff is finished, uske baad agar real life mein police you can chase them yeah, pop their tire and try to catch them. और फिर अगर वो गोली मार दे तो निकाल के लड़ना हमें बहुत मुश्किल है ना, राइट? सो हर बंदे के हाथ में वो पॉइंट से ये चीज देखो और ट्राई टू गेट एज मेनी एविडेंसेस, बंदा पैंट में बॉडी करता हो लेकिन बंदूक जीडीए में चलाएगा, कौन सी गैंग हो रही है, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन आरपी करो, इट्स बेटर. बहुत कुछ है अभी करने को जो लाइक पीपल आर नॉट डूइंग इट. काका भाई क्यों नहीं आया, मुंबई जा रहा है वो. या आई थिंक दैट्स वेयर यूफोस नेक्स्ट पॉइंट कम्स, वेयर कॉप हैज अ लॉट ऑफ आरपी दैट इज इन डन. Investigation, previous situation, car used in crime activities, in new situations back to back, felony warrant, car seized बहुत कम हो रहा है, high time letting go of previous info and not acting anymore. There's a lot of RP apart from responding to chases and 38 calls. I think unexplored RP बाकी है. Plus one. ऐसा मुझे चार पे का मजा खत्म हो जाता है पुलिस वाले के पास भी. जहाँ तक मेरे को पता है जो लेफ्ट ओवर आरपी वाला सीन है ना, ये चीज नहीं हो रही है. फेलिनी वारंट, आई गेस ऋषित को पता होगा कि दिन के 3-4 वारंट की रिक्वेस्ट तो डेली आ रही है. तो इट्स जस्ट कि वो चीज हो रही है, जो लोग कर रहे हैं वो अपनी आरपी कर रहे हैं,
जिसकी आईज में वो चीज है उनको पता है कि आरपी हो रही है. अभी ब्लडलाइन है, ब्लडलाइन दिन के दो रेड वारंट तो ब्लडलाइन ही देने शुरू कर देता है. तो पीड इंटरफेयर करते हैं ना, ब्लडलाइन हो तो रही है आरपी एंड क्या बोलते हैं रेड वारंट की रिपोर्ट इन कंपैरिजन लेस हो रही है जेवीएन. जस्ट सेइंग दैट वो सबकी साइड से नहीं हो रही, दैट्स वही वही लाइक वारंट इज नॉट द ओनली थिंग जेबी, लाइक इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी अलग अलग भी है. जैसे प्रोशाक की आई गेस किसी ने तो करी थी डार्क हॉर्स भाई, ये वो गिनती के 5-6 लोग हैं जो कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. तो वो है कि ये चीज मना नहीं है, चालू है बट हर बंदा कर नहीं रहा है, दैट्स द थिंग. इसीलिए मैंने ना सजेशन दिया था इनकरेक्टली चीफ को कि यू नो एक डिपार्टमेंट चाहिए, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट इज मच नीडेड नाउ. आई थिंक इट्स अ हाई टाइम. CIU is coming up in a while, तो वो हो जाएगा. एक बारी ये evidence system का थोड़ा सा और fine tune हो जाएगा ना, then I think CIU it'll be